वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पीडीएफ प्रिंटर के बारे में। ये पीडीएफ प्रिंटर क्या होता है, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरह से इंस्टॉल करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ में पीडीएफ के बारे में, ये पूरा वीडियो जो है पूरा पीडीएफ के बारे में हो जाएगा। ओके, और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स फर्स्ट टाइम। ओके, और जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स है और या पुराने जो भी व्यूअर्स है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बट आप वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मेरे चैनल को बूस्ट मतलब आगे जाने में मदद मिलेगी, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, तो चलिए मैं आपके साथ में सम पॉइंट्स शेयर करता हूँ। जो नंबर वन पॉइंट है, व्हाट इज पीडीएफ प्रिंटर। पहले हम जानते हैं ये पीडीएफ प्रिंटर होता क्या है। देखिए, ये प्रिंटर वर्ड आते ही आपके माइंड में आता होगा ये फिजिकल प्रिंटर, जहाँ पर हम पेपर से प्रिंट निकालते हैं, वो प्रिंटर आपको याद आता होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर पीडीएफ प्रिंटर ये एक टूल है जिसकी मदद से हम पीडीएफ फाइल्स क्रिएट करता है, जो वर्ड फाइल होता है उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करता है। ओके, ये एक टूल है। नो वरी, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को जरूर देख लेना, पूरा देख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा। पीडीएफ प्रिंटर एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम पीडीएफ फाइल्स बनाते हैं। और सेकेंड थिंग जो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीडीएफ एंड वर्ड फाइल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर मैं पीडीएफ की बात करूँ तो यहाँ पर लिमिटेड ऑप्शन होता है एडिट करने के लिए। ओके, पीडीएफ जो फाइल होती है वहाँ पर लिमिटेड ऑप्शन होता है, और जो वर्ड फाइल होता है वहाँ पर फुल एक्सेस होता है एडिट करने के लिए। जैसे एग्जांपल मान लो, आपको कोई भी एक फ्रेंड है जिसके पास रेज्यूमे अवेलेबल है, जो बायोडाटा होता है वो रेज्यूमे अवेलेबल है, आपने उनसे पूछा कि उसका जो रेज्यूमे है वो दे दो ताकि आप जो है अपना रेज्यूमे बना सको। वो अगर उसने आपको पीडीएफ फाइल में सेंड किया तो आप उसको ज़्यादा एडिट नहीं कर पाएंगे, उसका जो नाम है वो आप रिमूव नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर जो डेट है वो आप रिमूव नहीं कर पाएंगे। अगर उसने आपको वर्ड फाइल सेंड कर दिया तो आप पूरा जो है एडिट कर सकेंगे, जो आपको एडिट करना है, जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने हैं वो पूरा आप कर सकेंगे। सो यही डिफरेंस है पीडीएफ फाइल में और वर्ड फाइल में। और थर्ड वन जो है, विच सॉफ्टवेयर नीड टू इंस्टॉल, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए पीडीएफ में। पीडीएफ प्रिंटर जो मैंने आपको रिसेंटली बता दिया ना, तो कौन सा सॉफ्टवेयर है वो पर्टिकुलरली, उस सॉफ्टवेयर का नाम है डू पीडीएफ एक सॉफ्टवेयर है, और ऐसे मार्केट में बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, और इवन माइक्रोसॉफ्ट का भी एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। लेकिन मैं डू पीडीएफ आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको पास्ट बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तो मैं जानता हूँ इसके बारे में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको डू पीडीएफ के बारे में ही बता दूँ। ओके, इवन अगर आप चाहो तो माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ प्रिंटर जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर डू पीडीएफ किस तरह से डाउनलोड करना है, किस तरह से इंस्टॉल करना है, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और फोर्थ वन जो है, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल पीडीएफ प्रिंटर। ओके, मैं डाउनलोड और इंस्टॉलेशन ऊपर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स दिखाऊंगा, और हाउ टू कन्वर्ट पीडीएफ प्रिंटर। ओके, ये सब बाकी के जो भी स्टेप्स हैं नेक्स्ट, वो पूरे प्रैक्टिकल स्टेप्स है। अभी हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल थिंग दिखा देता हूँ। ओके, तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो पहले हम डू पीडीएफ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद जो है इंस्टॉल करेंगे। मैं कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करता हूँ, कोई भी ब्राउजर को आप ओपन कर सकते हैं, जो भी आपके लैपटॉप पर ब्राउजर अवेलेबल है। ओके, यहाँ पर आपको टाइप करना है डाउनलोड डू पीडीएफ और एंटर। जो आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा, ये जो वेबसाइट है www.dopdf.com, तो इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड पीडीएफ। डाउनलोड डू पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको आपको ओपन करना है। ये फ्री है, इसमें कुछ चार्जेस नहीं है। ओके, से फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर देखो 3, 2, 1, अभी डाउनलोड होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद यहाँ से भी आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं, मतलब इसके ऊपर डबल क्लिक करके भी यहाँ से रन कर सकते हैं, या आप डाउनलोड के अंदर जाके यहाँ से भी मतलब उस फाइल को ढूंढ कर रन कर सकते हैं, या आप माई कंप्यूटर के अंदर जाके भी रन कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक है, ऑलरेडी पता है राइट आपको, मतलब बहुत से लोग जो बिगिनर्स पार्ट 1, 2, 3 देखे हैं ना, उनको इन सब के बारे में पता है किस तरह से फाइल्स रन करना है। सो फिलहाल मैं यहीं से ही डायरेक्टली रन करता हूँ, मैं फिर डाउनलोड फोल्डर में नहीं जाऊँगा, यहाँ से ही मैं रन करता हूँ। डबल क्लिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर जो है वो अभी इंस्टॉल हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद अभी हम इंस्टॉलेशन का नेक्स्ट प्रोसेस है ये, तो मैं अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको इस मार्क को रिमूव करना है, क्योंकि हमको ये एक्सटर्नल जो है एड ऑन जो है ये नहीं चाहिए हमको। ओके, इंस्टॉल एड इन फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो फिलहाल मैं इसको रिमूव करता हूँ। ओके, और इसको भी, इस दो भी ऑप्शन थे वो मैंने रिमूव कर दिया है, सिंपली मैं इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब इंस्टॉलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा हम वेट करते हैं।
तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लोज के ऊपर क्लिक करना है। तो हमारे लैपटॉप के अंदर जो है डू पीडीएफ सॉफ्टवेयर अभी इंस्टॉल हो चुका है। तो किस तरह से आपको पीडीएफ प्रिंटर पीडीएफ फाइल बनाना है, जैसे एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पर कोई भी एक जैसे एग्जांपल मैं वर्ड यहाँ पर ओपन करता हूँ। सो मैंने यहाँ पर वर्ड जो है ओपन किया है, मैं यहाँ पर कुछ भी मैसेज टाइप करता हूँ, जैसे टेस्ट पेज फ्रॉम आईएसटी, ओके मैं सिंपली इस तरह से टाइप करता हूँ। और यहाँ अभी वर्ड है राइट, अभी किस तरह से आप पीडीएफ में प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए सेम प्रोसेस है, जैसे आप प्रिंट करते हो यहाँ पर फाइल में जाके प्रिंट देते हो, इसी तरह से आपको यहाँ पर भी प्रिंट देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंटर चूज करना है जो है पीडीएफ 11, जो मैंने रिसेंटली अभी इंस्टॉल किया है ना, तो यहाँ पर आ चुका है पीडीएफ 11। यहाँ पर मैंने इवन मेरे लैपटॉप पर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने डू पीडीएफ जो यहाँ पर अभी इंस्टॉल किया है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ओके, तो अभी पीडीएफ प्रिंट जो है वो प्रिंट होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको इंटरफेस दिख जाता है, मतलब आपको ये फाइल कहाँ पर सेव करना है। यहाँ पर आप ब्राउज में जाके अलग से आप लोकेशन दे सकते हो, जैसे एग्जाम्पल मैं डेस्कटॉप देता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ टेस्ट डॉक्यूमेंट, ओके इस तरह से मैं टाइप करता हूँ और ओपन और ओके, तो मेरा पीडीएफ फाइल जो है अभी प्रिंट हो गया, तो मेरा डेस्कटॉप के ऊपर जो है अभी ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर देखो पीडीएफ जो है यहाँ पर फाइल आ चुकी है। इस तरह से आप वर्ड फाइल को जो है जो भी आप टाइप करते हो उसको आप पीडीएफ में प्रिंट करते हो। यह अभी नॉन एडिटेबल है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एडिट नहीं हो जाएगा, ओके। अगर मैं यहाँ पर वर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर मैं कुछ भी एडिट कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा मैं ऐड कर सकता हूँ, ये ही डिफरेंस है। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा किस तरह से जो है फाइल को प्रिंट किया जाता है। मैं और एक बार आपको दिखा देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ दूसरा यहाँ पर टाइप करता हूँ, मैंने सिंपली एक मैसेज टाइप किया है, मैं इसको प्रिंट करता हूँ। या आप कीबोर्ड से भी जो है प्रिंट दे सकते हैं, मतलब शॉर्टकट की से कंट्रोल पी दबा के, इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। कंट्रोल पी दबाने के बाद आप यहाँ पर जो है ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर लोकेशन आपको चूज करना है जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हो। फिलहाल मैं और एक बार डेस्कटॉप के ऊपर देता हूँ, सेकेंड टेस्ट और ओपन, ओके। तो अभी और एक फाइल जो है यहाँ पर सेव हो जाएगी। इस तरह से आप अलग अलग लोकेशन भी दे सकते हो, डी ड्राइव, वी ड्राइव, एफ ड्राइव, जहाँ पर भी आप देना चाहते हो। यहाँ पर देखो ऑलरेडी फाइल जो है ओपन हो चुके हैं। इस तरह से आप प्रिंट दे सकते हो वर्ड से पीडीएफ में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी तो आपको पता चल गया होगा किस तरह से जो है वर्ड से पीडीएफ कन्वर्ट करना है। और मैं नेक्स्ट अभी बताता हूँ, जैसे एग्जांपल मान लो आपके पास पीडीएफ फाइल है, या अभी पीडीएफ फाइल है राइट, आप इसको किस तरह से वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर तो आपको ऑप्शन नहीं मिलता है वर्ड कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है यूनीपीडीएफ। सो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप यूनीपीडीएफ सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर आपको टाइप करना है डाउनलोड यूनीपीडीएफ, ओके इस तरह से आपको टाइप करना है। और एक बात, वो लिमिटेड ही ऑप्शन मिलते हैं, मतलब एक तीन ही फाइल आप दिन में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। नो वरी, मैं और एक आपको ऑप्शन बताऊंगा जहां पर आप अनलिमिटेड जो है पीडीएफ से वर्ड कन्वर्ट कर सकता है। तो फिलहाल मैं इसको डाउनलोड करता हूं, डाउनलोड फ्री एडिशन, तो यहां पर आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। मैं इस फाइल को रन करता हूं, तो अब ये सॉफ्टवेयर जो है मेरे लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। Next, finish. हमारा UniPDF software जो है हमारे लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट मेन्यू में जाके PDF, हाँ यहाँ पर सॉफ्टवेयर, मैं इसको ओपन करता हूँ।
इवन आप इसको डेस्कटॉप में भी ला सकते हो। अगर आपको डेस्कटॉप में लाना है तो यहाँ पर आपको सेम सर्च करना है यूनी पीडीएफ, उसके बाद ओपन फाइल लोकेशन। यहाँ से आप डेस्कटॉप के ऊपर ला सकते हैं, इस तरह से ड्रैग करके भी ला सकते हैं या आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। चलो मैंने ड्रैग करके मैं डेस्कटॉप के ऊपर मैं लेके आया हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ। ओके, अगर आप चाहते हैं पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्ट करना है तो आपको इस सॉफ्टवेयर को पहले ओपन करना है, उसके बाद जो है ये जो फाइल है आपको इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पर लेके आना है, या आप ऐड के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर ड्रैग करके लेके आने के बाद यहाँ पर आपको वर्ड सेलेक्ट रहना है, जो वर्ड है ये आपको सेलेक्ट रहना है, उसके बाद कन्वर्ट। ये मतलब पाथ पूछ रहा है कहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हो, तो फिलहाल मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही रहने देता हूँ। और ओके, यहाँ पर देखो कन्वर्टिंग तो कन्वर्ट हो चुका है, मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडीएफ से जो है मेरा डॉक्यूमेंट वो वर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। अभी मैं इस फाइल को मैं एडिट कर सकता हूँ, जो भी आप चाहते हो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, जो भी पॉइंट आप ऐड करना चाहते हो। सो बहुत ही इजी मेथड है, कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं है, बस आपको यहाँ पर ड्रैग करके लेके आना है या आप ऐड के ऊपर क्लिक करके भी यहाँ से आप दूसरा लोकेशन भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे एग्जांपल जे ड्राइव में है, एफ ड्राइव में है, जहाँ से भी आपका फाइल है वहाँ से आप सेलेक्ट करके यहाँ पर आप लेके आ सकते हो, और उसके बाद जो है कन्वर्ट। बहुत ही ईजी मेथड है। ओके, सो होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से जो है वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्ट करना है और पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्ट करना है। और मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, अभी तो आपने सॉफ्टवेयर से कन्वर्ट किया राइट, और नेक्स्ट जो है आप ऑनलाइन, आप इवन ऑनलाइन में भी वर्ड टू पीडीएफ जो है कन्वर्ट कर सकता है या पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्ट कर सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल में जाके यहाँ पर आपको सर्च करना है, कन्वर्ट पीडीएफ टू वर्ड ऑनलाइन, इस तरह से आपको सर्च करके टाइप करना है, और जो फर्स्ट आपको लिंक मिल रहा है उसको आपको ओपन करना है। यहाँ पर आपको चूज फाइल के अंदर जाके यहाँ से आपको उस फाइल को चूज करना है जिस फाइल को आप वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो फिलहाल मेरे डेस्कटॉप के ऊपर फाइल है राइट, वर्ड फाइल, इवन यहाँ पर भी बहुत सारे हैं बट मैं डेस्कटॉप के ऊपर से लेता हूँ इस फाइल को और ओपन कन्वर्ट टू वर्ड, इसको आपको मार्क करना है और चूज ऑप्शन डाउनलोड। तो ये फाइल जो है वर्ड टू सॉरी पीडीएफ टू वर्ड जो है कन्वर्ट हो चुकी है। इस तरह से आप इवन ऑनलाइन में भी कन्वर्ट कर सकता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट थिंग जो है मैं आपको और एक मेथड दिखा देता हूँ, अगर आप चाहते हैं पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्ट करना, सॉरी वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्ट करना है तो भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर ऑनलाइन, तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। इवन ऑनलाइन में बहुत सारे ऑप्शन है यार, वर्ड टू पीडीएफ, पीडीएफ टू वर्ड, इस तरह से आप ऑनलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। और वन मोर थिंग, इस पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए आपके लैपटॉप के अंदर एडोबे एक्रोबैट रीडर सॉफ्टवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली ओपन नहीं होता है। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एडोबे एक्रोबैट रीडर जो है आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करिएगा। ओके, अगर आपको वो भी पता नहीं है तो मैं आपको सिर्फ एक वे बताता हूँ किस तरह से इंस्टॉल करना है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आप कर सकते हैं ताकि ओके चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ किस तरह से जो है एक्रोबैट रीडर भी इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है डाउनलोड एडोबे एक्रोबैट रीडर, ओके पीडीएफ रीडर भी आप बोल सकते हो। इस तरह से सर्च करके जो आपको फर्स्ट लिंक मिल रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, इस तरह से ये पूरे मार्क रहते हैं ओके, प्लीज इसको रिमूव कीजिएगा याद से, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली जो है मैकाफे एंटीवायरस जो है ऑटोमेटिकली आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिलहाल ये जो मार्क्स है इसको आपको रिमूव करना है, रिमूव करने के बाद दोनों एक्रोबैट रीडर, मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी है फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, रन करने के लिए इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन विल बी बिगिन शॉर्टली, यहाँ पर देखो न्यूअर वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल, ऑलरेडी मेरे लैपटॉप पर इंस्टॉल्ड है तो इसके डायरेक्टली यहाँ पर फिनिश आ चुका है। अगर आपके लैपटॉप पर इंस्टॉल नहीं रहेगा तो यहाँ पर जो है प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा।
किस तरह से जो है एक्रोबैट रीडर इंस्टॉल करना है। इवन आप पीडीएफ फाइल को गूगल क्रोम से भी ओपन कर सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम होता है यहाँ पर, इससे भी आप पीडीएफ फाइल को रीड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडीएफ फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ से आप इवन रीड भी कर सकते हैं, ये गूगल क्रोम में भी ऑप्शन अवेलेबल है। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा किस तरह से जो है पीडीएफ प्रिंटर को इस्तेमाल करना है, किस तरह से इंस्टॉल करना है, किस तरह से कन्वर्ट करना है। बहुत शायद वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है पीडीएफ के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में आपके जो भी ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन तक दे दूंगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन हो सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।